रामपुर में एक बार फिर से रिश्तों में विश्वासघात का मामला सामने आया है। मिलक खानम थाना क्षेत्र में एक भांजे ने अपनी मौसी के साथ 32 लाख रुपए का फर्जीवाड़ा किया है। भांजे ने चेक बुक में फर्जी साइन करके 32 लाख रुपए निकाल लिए। फरार आरोपी भांजे के खिलाफ तमाम धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और आरोपी की तलाश जारी है। कर्जा माफी की नहीं एग्रीमेंट कराया? एग्रीमेंट करवा लिया, कर्जा माफ हुआ ही नहीं। अच्छा, हाँ जी, धोखाधड़ी से? हाँ जी। फिर क्या कराया? तो उसने एग्रीमेंट करवा के तो हमें जब पता लगा हाँ था कर्जा मचाया, बहुत शोर मचाया, तो उसने हमें कहने लगा कि कोई बात नहीं है, मैं मौसी जी तड़वा दूंगा। तो उसने कोई वो कुछ नहीं करा था। अब जहाँ हम जाता है वो कागज को लेकर घूमता रहता है कि मैंने उसे जमीन खरीद ली है और एग्रीमेंट किया और हुआ कुछ नहीं है। कितने की जमीन खरीद ली है? जमीन का मुझे पक्का पता नहीं है, लड़के को पता है, बता रहे हैं। कार्रवाई कर दी है इसमें आपने? हाँ जी, कर रही है। मुकदमा दर्ज हो गया? हाँ जी, पुलिस ने कोई कार्रवाई की? हाँ जी, पुलिस पहले करी तो उसने फिर बाद में छुट्टी ले लिया उसने। फिर मानते हुए अपर पुलिस अधीक्षक ने उन पर मुकदमा दर्ज कराया है और जिसकी विवेचना चल रही है। क्या क्या धाराएं हैं? कौन कौन सी धाराएं हैं? धारा 420 और 406 में FIR शायद लिखी गई है और 504 506। अच्छा, ये कितने हद तक कार्रवाई हो चुकी है? उन्होंने कुछ कागज और भी दिए हैं। इनका जो भांजा है सुखविंदर सिंह, वो इस तरह का हिस्ट्री शीटर है, उसने कई लोगों को अपने चेक दे रखे हैं, कईयों से चेक ले रखे हैं, करीब 8 से 10 मुकदमे उसके चेकों से संबंधित, किसी में इसने किसी को दिए हैं, किसी में लिए।